हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो मैं हूँ इस वक्त मलेशिया में। हम लोग कल ही सिंगापुर से मलेशिया आ चुके हैं वाया बस। तो रात हो गई थी पहुँचते, इसलिए हम जो है आज जर्नी आज से शुरू कर रहे हैं। यानी कि हम आज जा रहे हैं गेंटिंग आइलैंड और केएल टावर्स। कोशिश करेंगे कि हम पेट्रोनस टावर भी कर लें क्योंकि आजू बाजू में ही है। तो अभी हम रुके हैं टीआर रेसिडेंसी और सुबह के बज रहे हैं 8। तो हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से बस करेंगे, बस से सीधे जाएंगे दूसरे बस स्टॉप। वहाँ से हमें इजी पड़ेगा क्योंकि बस की यहाँ पे जो सर्विस है वो बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। मेट्रो भी बहुत अच्छी है, बट मेट्रो से बेटर अभी हमें बस लग रही है क्योंकि हमारे जस्ट होटल से निकलते ही मेट्रो है यहाँ पर, सॉरी बस है। तो बस से अभी हम जाएंगे एंड यहाँ पे बारिश खूब हो रही है। कल रात भर भी बारिश हुई, अभी भी बारिश अभी रुक गई है, बट मौसम बहुत अच्छा है। सिंगापुर से तो बहुत ही बेटर है मौसम, वहाँ पे धूप बहुत तेज थी, बट यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। चलिए दिखाते हैं आपको जहाँ जहाँ जाते हैं। सो हम बस से ना आकर हम लोग कैब से आ गए क्योंकि जो बस थी उसकी एक नाइट पहले बुकिंग होती है, ये हमें नहीं पता था। तो हमने सोचा टाइम को सेव करते हुए कि जो दूसरी बस जा रही थी वो 10 बजे जाती तो फिर मैं बहुत लेट हो जाता, तो हमें टाइम को सेव करते हुए हम कैब से आए हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं बस स्टॉप, यहाँ से फिर अब हम केबल कार लेंगे। राइट, सी आप देख सकते हैं वो केबल कार जा रही है। तो ये केबल कार यहाँ से जाएगी सीधे गेंटिंग आइलैंड, और जो रास्ते का व्यू होता है वो बहुत ही अमेजिंग है, जिस हमने वीडियोस में देखे हैं एंड अब फाइनली एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो लेट्स गो। तो हमने स्काईवे का टिकट ले लिया है और इस टिकट की वैलिडिटी है 72 आवर्स। सो यहाँ से गेंडोला राइड की सफारी शुरू होती है और हम लोग बहुत जल्दी पहुँचे हैं ताकि हमें भीड़ कम मिले। माई फर्स्ट एवर गेंडोला राइड केबल का। So this is the resort which is on 6,000 feet above the sea level. So gondola ride से उतरते ही mall पड़ता है। mall के अंदर ही काफी कुछ activities हैं, casino भी है, आप यहाँ पर भी कुछ time spend कर सकते हैं, फिर आप जा सकते हैं ride पे। और यहाँ पर ये जो balls ऊपर है वो ऊपर नीचे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ये लाइट शो होता है। अब आ गया हूँ। हम लोग अभी जा रहे हैं चाइनीज टेम्पल और अभी जाते वक्त ही इतना फॉग आ चुका है। जब हम आए थे तो धूप थी और अभी पूरा एकदम फॉग हो गया, जैसे हम लोग बाथरूम में फंस गए, कुछ दिख ही नहीं रहा है, मस्त कुछ भी नहीं दिख रहा, बट हमारी दो ब्यूटीफुल लेडीज दिख रही हैं। टेम्पल जाने के लिए यहाँ से शटल सर्विस है, वो भी जा सकते हैं। सीढ़ी है, हाँ मतलब स्टेयर्स हैं बट अंडर मेंटेनेंस है, वहाँ से इस तरफ आके आप यहाँ से बोल सकते हैं शटल, नहीं तो इधर प्राइवेट टैक्सी भी है 5 ringgit per person. Hello.
गच्छामि गच्छामि एंड क्यूटेस्ट थिंग आई विल शो यू तो अभी ये अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है सो हम लोग पहुंच गए हैं लेवल 4 पर स्टेयर से चढ़कर एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ लेवल 4 सो गाइज ये जो चाइनीज टेम्पल है हम उसके टॉप पे आ गए हैं 9th फ्लोर है यहाँ पे आने के लिए आपको स्टूडियो से आना पड़ेगा और अच्छा खासा स्टेमिना चाहिए भाई 9 फ्लोर्स यू हैव टू क्लाइंब और जो सीढ़ियाँ हैं वो स्ट्रेट नहीं है मतलब ऐसे गोल घुमा के हैं तो आई थिंक नंबर ऑफ स्टेज भी ज़्यादा है बट यहाँ से अगर आप देखोगे आपको पूरा व्यू दिखेगा जेंटिंग हाइलैंड का पूरा व्यू दिखेगा अभी जो जेंटिंग हाइलैंड है वो यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि इतना अच्छा मौसम है कि जो बादल हैं वो पूरा घेर लिए हैं और छिप गया है वो बट ये ऊपर वहाँ पे हम लोग गए थे जेंटिंग हाइलैंड था और ये नीचे पूरा व्यू है ये पूरा टेम्पल का व्यू है बहुत ही प्यारा है हल्की हल्की हवा चल रही है और इतना अच्छा प्यारा मौसम हो गया है इट्स ब्यूटीफुल यू शुड डेफिनेटली कम हेयर इफ़ यू आर कमिंग टू मलेशिया ऊपर वहाँ पे मेन टेम्पल है फिर नीचे आपको स्टूडियो से यहाँ पर आना है और फिर यहाँ पे एक और टेम्पल है जो काइंड ऑफ हिडन है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपसे मिस हो जाएगा यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू है ठीक है और ये रहा मेन मंदिर का एंट्रेंस टेम्पल का मेन एंट्रेंस मैं आपको दिखाता हूँ पूरा चाइनीज़ आर्किटेक्चर है और काफ़ी ब्यूटीफुल है यार जो ऊपर टेम्पल है उससे भी ज़्यादा बड़ा है और ब्यूटीफुल है सो दिस इज़ द मेन टेम्पल ये मैं टेम्पल के अंदर आ गया हूँ बहुत ही मस्त टेम्पल है अगर आप ऊपर देखोगे या मेरे आजू बाजू देखोगे तो जितने भी पिलर्स हैं सब पे मतलब क्या बोलते हैं चाइनीज़ आर्टवर्क हो रखा है और मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा ये टेम्पल पहाड़ों पे है ये देखो ये पहाड़ है पीछे पत्थर है और ये बड़े बड़े पिलर्स हैं और ये पूरा टेम्पल है अमेजिंग है ब्यूटीफुल हेयर इज़ द डाइटी द गॉड सो आई थिंक आपको प्रे करना है प्रे करके आपको अपनी विश मांगनी है और ये आई थिंक वो विश के लिए प्ले कर रहे हैं जैसे हम लोग घंटी बजा के प्रार्थना करते हैं शायद आई थिंक वैसे ही कर रहे हैं सो हम लोग टेंपल देख लिए और अब हम जा रहे हैं केएल टावर तो हमने यहाँ से बस कर ली है बस का टिकट ले लिया और यहाँ बस स्टॉप से आप केएल टावर जाएंगे आपको चीतन बेस्ट पड़ेगा केएल बस स्टॉप जाएगी सॉरी एंड वहाँ से आप केएल टावर जाएंगे बगल में पेट्रोनस टावर भी है हेलो गाइस सो हम लोग केएल बस स्टॉप पर उतरे वहाँ से हमने मेट्रो लिया मोनो रेल बुकित नानास एंड वहाँ से हमने फिर कैब करी है कैब से हम यहाँ पर पहुँचे हैं केएल टावर क्योंकि अराउंड 1.5 किलोमीटर है तो हम आ चुके हैं केएल टावर एंड चलते हैं आपको अंदर का दिखाते हैं सो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो है सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड अब हम जा रहे हैं स्काई तक यहाँ पर है अभी हम लोग यहाँ जाने वाले हैं ये यहाँ से तो ये है वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग ठीक है और ये है वर्ल्ड की 19th हाईएस्ट बिल्डिंग अब वो रहा अपना पेट्रोनस टावर बाथरूम में छुपा हुआ है सो हम लोग हैं इस वक्त स्काईटेक पर केएल टावर लेकिन यहाँ पर
बादलों की वजह से जो बिल्डिंग्स हैं वो छुप गई है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो रहा है। कोई नहीं होगा क्योंकि बादल छटेंगे, लाइट चलेगी, क्योंकि थोड़ा फोटोज नहीं अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा व्यूज अच्छे नहीं दिख रहे, तो वेट कर रहे हम कि थोड़ा बादल सेटल डाउन हो जाए। बट हमें जो अपनी आंखों से दिख रहा है वो व्यू बहुत अमेजिंग है। ओ यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर एक स्काई डेक दिया है, आप वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। एंड सेम इस तरफ भी बना है, आप इधर भी जाके खिंचवा सकते हैं। तो बस ये इतना ही दूर का है, और अगर इसके नीचे कुछ फ्लोर पर ऑब्जर्वेशन डेक है, वहाँ पे भी जाके हम देख सकते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ केएल टावर। हमारा प्लान था ऊपर ग्लास वॉल पे फोटो क्लिक करने का, पर बारिश की वजह से वो क्लोज हो गया है। ये रहा यार, ये रात का व्यू है, अगर आप देख पा रहे हैं वहाँ कोने पे वो रहा पेट्रोनस टावर। तो रात भर ऐसी लाइट जलती रहती है यहाँ पे, मतलब दूर से बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप किसी वजह से ऊपर जो ग्लास वॉल है वहाँ पे फोटोज़ नहीं ले पाए, तो यू कैन पोस्टपोन योर टिकट फॉर अंदर 1 वीक, और जब भी आपका मन हो या फिर बारिश ना हो रही हो, मौसम अच्छा हो, आप आ सकते हो। तो हम लोगों ने, मतलब क्या बोले, अनफॉर्चुनेटली हम लोग 2 घंटे वेट किए, बारिश रुकी नहीं, बीच में 10 मिनट की रुकी, फिर बारिश बहुत तेज़ से होने लगी, और अभी बारिश हो ही रही है। तो अभी प्लान ये है कि हम लोग घर जा रहे हैं, आराम करेंगे। ठीक है, कोई नहीं, लेट्स सी, कल ट्राई करेंगे। और कल हम लोग सुबह जाने वाले हैं बाटू केव्स, उसके बाद हम जाने वाले हैं पेट्रोनस टावर, पॉसिबल हुआ तो फिर से यहाँ पर आएंगे जस्ट टू क्लिक आवर पिक्चर्स। ठीक है गाइज, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।